स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफा। बहुत दिनों से बहुत से लोग हमसे बार बार फरमाइश कर रहे थे और हर दफ़ा मैं उनसे कमिट तो कर लेता था, लेकिन कुछ दफ्तर की मसरूफियत, कुछ लगातार लाहौर में कोई पिछले 7-8 दिन से डेली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। जिस वक्त मैं फ्री होता था बारिश हुई आती थी, और जिस वक्त बारिश नहीं होती थी उस वक्त मैं दफ्तर में होता था। फाइनली टाइम मैंने निकाला है, 4 पेयर दिखा रहा हूँ सब स्पेशल लोगों के लिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही आदमी को ये सारे दें, लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 2 या 3 हमारे पास ऐसे ऑर्डर हैं जो 5-5 से 10-10 पेयर के हैं। 4 पेयर हैं ये आपके सामने, थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ। कबूतरों को जब अपने केजेस से निकाला जाता है तो थोड़े घबरा भी जाते हैं, थोड़े घबराए भी हैं। उन्हें रूटीन में जिस तरह वो गुटक रहे होते हैं और अपने खानों में फिर रहे होते हैं, वो हुसन कुछ और होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है हमारे लिए कि हमारे लिए खुद सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऑर्डर आता है हमें। इसलिए हम कोशिश करते हैं हम सेपरेट कर दें। सेपरेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, पास होने से भी ये ना काफ़ी घबरा जाते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को एक फ़ीमेल चाहिए हो हम फीमेल भी दे देंगे, खाली मेल चाहिए हो मेल भी दे देंगे। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ब्रीडर कबूतर हैं और सेट हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जोड़ा ना तोड़ा जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर नए सिरे से जोड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन मजबूरी भी होती है लोगों की, किसी के पास फ़ीमेल मर जाती है, किसी के पास मेल मर जाता है या उड़ जाता है, तो उन लोगों को फिर ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम ना किसी को भी नहीं करते। जिस आदमी को जो पसंद आ जाए और जो चाहिए हो, स्पेशली हमने ठल्ले डाली हैं इसी अंदाज़ से, किसी को ठल डाली किसी को ठल नहीं डाली, किसी के लेफ्ट पाँव में ठल डाली है तो किसी के राइट पाँव में ठल डाली है, किसी के दोनों पाँव में डाली है, ताकि जिस वक्त ऑर्डर आए ये देख लें आप कि जब हमने इसके दूसरे पाँव में ठल डाली है उसे बुरा लग रहा है। तो ठल्लों से हमें आसानी भी हो जाती है सिलेक्ट करने में। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नए जोड़ों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।